अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी हैव टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी चार्जेस 7.74 रुपीज़ पर यूनिट किलोवाट पर आवर फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। यानी 100 यूनिट्स जो हैं फर्स्ट, यानी 1 से लेकर 100 तक जो है अगर यूनिट कंज्यूम करता है कोई भी कंज्यूमर, तो उसके लिए चार्ज करते हैं 7.74 एंड 10.06 रुपीज़ पर यूनिट फॉर द नेक्स्ट 100 यूनिट। मीन 101 से लेकर 200 तक अगर यूनिट्स एक्स्ट्रा यूज़ करता है तो उसके लिए 10.06 चार्ज करती है एंड नेक्स्ट 12.15 पर यूनिट फॉर द रेस्ट ऑफ द यूनिट्स। यानी 200 तक तो चार्ज करेगी ना 10.06, लेकिन अगर उससे ज़्यादा यानी 200 से जो है यूनिट्स आफ्टर 200 जो अगर कंज्यूम करते हैं तो 12.15 पर यूनिट उनको पड़ेगा। अब राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रिसीव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम फॉर एन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड फाइंड्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर ईच कंज्यूमर यूजिंग फॉर लो। अच्छा जी, आपने पाइथन प्रोग्राम राइट करना है जो कि यूज़र से नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम यानी कितने यूनिट्स उसने कंज्यूम किए हैं फॉर एन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, यानी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए करेगी, और एन नंबर ऑफ और फाइंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं उसके लिए कैलकुलेट करेगा और प्रिंट करके देगा यूजिंग फॉर लूप। प्रीवियस जो एग्जाम्पल्स, ये हमने प्रोग्राम पहले भी किया है लेकिन हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए किया था, दैट वॉज इफ़ एलिफ एल्स जो स्ट्रक्चर्स थे उनको यूज़ करते हुए किया था, लेकिन आज हम करेंगे यूजिंग फॉर लूप, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है फॉर चैप्टर नंबर 4 काउंट कंट्रोल रिपीटेशन स्ट्रक्चर चल रहा है, उसके लिए मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ हेडर्स बताए थे फॉर लूप्स के लिए। कहा था कि रिक्वायर्ड कंडीशन या फिर रिक्वायर्ड आपके रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम राइट करने के लिए आपने क्या करना है, मैं आप लोगों को पहले ही बताती हूँ, बल्कि अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो एनाकोंडा नेविगेटर दैट इज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो उसमें जो बिल्ट इन एप्लीकेशन उसकी है जुपिटर नोटबुक, उसको लॉन्च करते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते, आईडी यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में राइट करने के लिए, ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप गूगल कोलैब यूज़ कर लो, पाइचॉम यूज़ कर सकते हैं, और भी डिफरेंट आईडीज अवेलेबल हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉन्च करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आपने न्यू में जाना है और पाइथन 3 को क्लिक करना है, और उसके बाद जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर अपना प्रोग्राम एडिट करना है, तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो। मेरे पास प्रोग्राम राइट किया हुआ है, मैंने राइट करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है तो इसलिए मैं आप लोगों को यहीं पर समझाऊंगी। अच्छा जी, पहले तो हमें देखना है कि रेट्स क्या क्या गिवन है। फर्स्ट रेट हमारे पास है 7.74 है, सेकंड रेट हमारे पास है 10.06 और थर्ड रेट हमारे पास है 12.15। तो रेट 1, रेट 2 एंड रेट 3 मैंने इसको नेम दे दिया है। नेम देने के बाद फिर उसने कहा था कि यूज़र से इनपुट करवाए क्या, रिसीव करें नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम। आपकी मर्ज़ी है कि एन ले लो वेरिएबल, यूनिट्स नाम ले लो, आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एन लिया है क्योंकि एन नंबर ऑफ़ टाइम्स कहा था। तो इनपुट का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, अगर प्रीवियस प्रोग्राम देखे हो तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और पैरेंथेसिस में आप स्ट्रिंग राइट करते हो जो इनपुट के लिए शो होगी। एंटर द नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स आपके पास हैं, और इंट यानी इंटीजर ही नंबर होगा क्योंकि पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर दिया था एन नंबर ऑफ़, यहाँ पर अगर देखें ना एन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर में कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। जब हेडर्स बताए थे, हमारा जो फर्स्ट हेडर था फॉर लूप के लिए वो यही था कि एन नंबर रेंज क्या गिवन थी, एन नंबर दी हुई थी यानी एन नंबर तक करे, तो इसके लिए हेडर आप लोगों को देखना पड़ेगा। जो प्रीवियस लेक्चर्स काउंटर जो कंट्रोल्ड रिपीटेशन स्ट्रक्चर जो यूज़ किया था यूजिंग फॉर लूप था, तो उसका जो चैप्टर का लेक्चर था वो देखिएगा, क्योंकि ये मैं आप लोगों को करवा रही हूँ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, 4.2 एग्जांपल है, और इसको बता रही हूँ। अगर आप लोगों को 4 जो हेडर्स हैं वो जो मैंने बताए थे वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा हेडर आपकी रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ़ टाइम्स था, तो रेंज वाला फार्मूला हमारे पास था, 4i इन रेंज ऑफ n था हमारे पास, और आगे जो हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स होती थी उसे एग्जीक्यूट करना था, क्योंकि हमें किया गया है n नंबर ऑफ़ टाइम्स ले, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ले। ठीक है, तो 4i इटरेटिव हमारा जो वेरिएबल है या इसे कह सकते हैं लूप इंडेक्स है, यानी यहाँ से ये इटरेट करेगा। इन रेंज हमारे पास है n और यूनिट्स हमारे पास हैं क्योंकि यूज़र से यूनिट्स लेने हैं। n नंबर ऑफ़ टाइम्स हैं हमारे पास,
कंज्यूमर्स हमारे पास एन नंबर थे और हमारे पास यूनिट्स क्या हैं, इनपुट करवाएंगे यूज़र से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम, ठीक है। और यूनिट्स में जाकर आपके पास ये जो यूज़र इनपुट करेगा यूनिट्स वो स्टोर होंगे, यानी इसका जो यूनिट्स नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं उसके जो हेड रेफरेंस कह लो या आइडेंटिफायर आप कह लो, तो हमारे पास वो यूनिट्स है। अब कंडीशन ये थी हमारे पास इसके अंदर इफ़ जो हमारी इफ़ एल्स जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस अवेलेबल हैं। ये तो इट्रेट करेगा ना कि इधर तक इट्रेट करना है कि एन जितने भी यूज़र करेगा नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स एंटर करेगा, कि 10 अगर मैं करती हूँ नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स एंटर तो 10 टाइम्स ये इट्रेट करेगा, ठीक है। तो यूनिट्स, अब यूनिट्स भी यूज़र से लेने हैं, तो यूज़र ये तो कैलकुलेशन जो यूनिट्स की है वो यहाँ पर बेस कर रही है। तो इफ़ यूनिट्स हमें कहा गया था 100 तक जो यूनिट्स हैं यानी लेस देन 101 तक हैं, तो बिल हमारा बनेगा रेट वन होगा। रेट वन का कहा था कि अगर फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए रेट वन अप्लाई होगा, तो मैंने क्या किया, रेट वन मल्टीप्लाई यूनिट्स, यानी उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो रेट वन से। एलिफ ये स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुकी हूँ, कॉलन लगेगा। एलिफ यूनिट्स अगर लेस देन 201 होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट उसने 100 के लिए यानी 101 से 200 तक उसने कहा था कि रेट हमारे पास 2 होगा, तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, रेट 1 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट्स से 100 से मल्टीप्लाई करके प्लस रेट 2 अप्लाई होगा, जो यूनिट्स जितने थे उसमें से 100 को माइनस कर दो, जितने भी यूनिट्स हैं उसमें से 100 को माइनस कर दो, क्योंकि फर्स्ट 100 के लिए और रेट था, ठीक है, जो मैं यहां पर राइट कर रही हूं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, एल्स बिल हमारा क्या बनेगा, रेट 1 जो था अप्लाई किया था प्लस रेट 2 की जो इक्वेशन बनी थी प्लस रेट 3 में यूनिट्स माइनस 200, क्योंकि 200 यूनिट्स से ज़्यादा की बात हो रही है, तो 200 निकाल के बाकी जितने यूनिट्स बनते हैं उस पर रेट 3 अप्लाई होगा, और यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन अप्लाई होगा। द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द कंज्यूम्ड यूनिट्स हमारे पास हैं, कंज्यूम्ड इतने यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स की जगह पर ये जो यूनिट्स यूज़र एंटर करेगा वो आएंगे, कोमा यूनिट्स इज़, ये स्ट्रिंग एज इट इज़ दिखाई देगी, और बिल हमारे पास ये वाला, ये जो बिल बन के आएगा वो आपको दिखाई देगा। लेट्स सी, हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स सपोज करो मैं इतने ज़्यादा नहीं 5 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ यानी एन नंबर ऑफ यानी हमारे पास 5 हैं, और एंटर द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड हमारे पास कितने हैं। सपोज़ करो मैंने 90 यूनिट्स यानी लेस देन 100 यानी फर्स्ट 100 के बीच में ही यूनिट्स किए हैं, तो देखो मेरा बिल जो है वो यहाँ पर 90 यूनिट्स के लिए मेरे पास इतना बिल कैलकुलेट होकर आ गया है। अब क्योंकि 5 में नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स से 5 हैं, तो मेरे पास ये सेकंड यूज़र आपके पास नंबर ऑफ यानी सेकंड यूज़र एंटर कर रहा है, तो मैं सपोज़ करो करती हूँ नेक्स्ट हाफ यानी 106 मैंने यूनिट्स किए हैं कंज्यूम, तो मेरा ये वाला आपके पास क्या है, लेस देन था, और ये वाला मेरे पास जो है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मोर देन 100 है यहाँ पर, लेस देन 100 यानी मैंने 100 से कम तक किया, ठीक है। अब हमारे पास 201 से कम तक यानी यहाँ 101 से 200 तक आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 106 किया, तो इस रेंज में आ रहा है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मैं थर्ड रेंज मेरी क्या थी, सपोज़ करो 200 से अबव यूनिट्स अगर मैं एंटर करती हूँ तो 280 कर देती हूँ, तो मेरे पास ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। सपोज़ करो फिर मैं करती हूँ 100 ही कर लेती हूँ, 100 तक यूनिट्स के लिए ये जो फर्स्ट वाला रेट था ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और एंटर करो, ये देखो ये बन गया हमारे पास। और अगर मैं 200 तक मेरे पास ये था तो 200 मैं अगर करती हूँ तो मेरे पास ये वाली लाइन का आंसर आ गया। अब देखो आगे यूज़र से इनपुट नहीं मांग रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर राइट किया था कि एंटर द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 5 था, तो देखो 5 से ही यूज़र से मांगा है उसने 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 5 यूज़र से ही उसने मांगा। अगर मैं यहाँ पर एंटर करती 6 कर देती, सपोज़ करो अगर मैं अगेन इसको करती हूँ 10 करती, तो 10 या फिर मैं करती हूँ 2 कर देती, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो 2 करके देख लेते हैं, तो 2 एंटर करती हूँ तो 2 यूज़र्स एंटर करेंगे, तो सपोज़ करो मैंने कंज्यूम किए 160 यूनिट्स, क्योंकि इस रेंज में आ रहे हैं, 100 से अबव है ये एल इफ वाली स्ट्रक्चर वाली लाइन आ रही है, ये मांगा उसने। फिर मैंने सपोज़ करो मैंने 500 किए यूनिट्स कंज्यूम, क्योंकि वो 200 से अबव वाले इस रेंज में ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पर फिनिश हो गया और आगे उसने यूज़र से कुछ भी नहीं मांगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स यहाँ पर 2 एंटर किए थे,
जो रेंज बताई थी उसे उसी में ही रेंज में रहा। अगर मैं ज़्यादा भी कर सकती थी, 10 कर देती तो 10 तक फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टाइम हो जाता प्रोग्राम हमारा, तो इसलिए मैंने आपको कम करके दे दिया। इसी तरह से आप अगर यहाँ पर रेंज सपोज करो 1 में एंटर करती हूँ, यानी एक कंज्यूमर ही एंटर कर पाएगा, तो मैं यूनिट्स करती हूँ 20 यूनिट्स हैं मैंने कंज्यूम किए, और देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया और आगे वो एग्जीक्यूट, यानी यूज़र से कुछ इनपुट ही उसने नहीं मांगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एन नंबर ऑफ रेंज मैंने क्या यूज़ की थी एन, और यहाँ पर मैंने एन क्या एंटर किया 1 किया, तो 1 की ही रेंज है तो 1 तक ही ये एग्जीक्यूट होगा। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।